आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। लखनऊ में बॉडी बिल्डिंग नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश के रीवा जिले से मां शारदा जिम संचालक विष्णु तिवारी ने 10वें नंबर पर आकर जिले का नाम रोशन किया है। विष्णु तिवारी ने मीडिया से बताया कि जिस प्रकार से स्पोर्ट्स में लोग आकर हिस्सा लेते हैं, उसी प्रकार जिम पर भी लोगों को आगे आकर हिस्सा लेना चाहिए और अपने शहर जिले का नाम आगे बढ़ाना चाहिए। उनकी इस उपलब्धि से पूरे रीवा जिले में हर्ष का माहौल व्याप्त है और सभी लोगों की यही कामना है कि आगे चलकर वो ये चैंपियनशिप जीतें और अपने जिले का नाम रोशन करें। आइए सुनते हैं। विष्णु तिवारी, ये आपका चैंपियन का आयोजन हुआ, ये नेशनल चैंपियनशिप था, लखनऊ में हुआ था। पार्टिसिपेट हर स्टेट से आए हुए थे, 29 स्टेट से सभी, जिसमें अपने वेट में 10वां स्थान रहा मेरा और आगे नहीं कर पाया, आउट हो गए वे। तो इतना उपलब्धि मिली हमें। क्या कहना चाहेंगे लोगों को, क्या संदेश देना चाहेंगे? लोगों को यही संदेश देना चाहेंगे कि जिस तरह सब फील्ड में जाते हैं, स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में और वॉलीबॉल में, कबड्डी में, हमारा भी स्पोर्ट्स है ये बॉडी बिल्डिंग। हर लड़का अच्छी तरह से तैयार हो और इस स्पोर्ट्स को खेले, साथ में आए और ख़ासतौर से रीवा में जो कमी है उसको दूर करना चाहेंगे। रीवा में काफ़ी अच्छे लड़के हैं लेकिन उन्हें रास्ता नहीं है आगे बढ़ने का, तो उन्हें भी आज तक प्रयास करेंगे आगे ले जाने का। लगभग कितने वर्षों से ये सब तैयारियाँ कर रहे थे? मैं तैयारी 5 साल से कर रहा हूँ। पहले तो इस जिला खेला, अपना स्टेट क्लियर किया, स्टेट में सिल्वर मेडल मारा, फिर पिछली बार मिस्टर इंडिया में सिलेक्शन हुआ, नेशनल खेला भी, फिर अभी मिस्टर इंडिया होने वाला है 23-24 को, उसमें भी भाग लूँगा मैं।